नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर स्टडी चैनल पर। देखो, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी त्रिकोणमिति के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री हम एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एसएससी में भी, रेलवे में भी, हमारे एनटीपीसी जो है, बैंकिंग में भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए यहाँ से, और उसके अलावा भी अगर मान लो किसी एग्जाम में अगर ट्रिग्नोमेट्री है, मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री जिस भी एग्जाम में होगा वो आपका क्लियर होगा। सीबीएस हुआ, एफकेट हुआ, ठीक है, सारी चीजें। अब बात करते हैं इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैं ट्रिग्नोमेट्री में ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने ये लिया है कुछ कि आपको दे रखा है कि यदि साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, ये दे रखा है साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। तो आपसे पूछ लिया, मान लो आप बताओ कोस थीटा की वैल्यू बताओ, आप टेन थीटा की वैल्यू बताओ, आपसे पूछ लिया मान लो आप सेक थीटा की वैल्यू बताओ, इस प्रकार से आपसे कोई भी वैल्यू पूछ ली गई, ठीक है? तो अब ध्यान दें, हमने पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि लाल बटे कक्का का हमने अध्ययन किया था, और लंब बटे कर्ण कहा था हमने साइन को, क्लियर है हमारे पास? तो जब साइन को हमने लंब बटे कर्ण कहा तो हम डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाएंगे तो बोलो ये तो लंब होगा और बटे कर्ण, तो लंब का मान 3 और कर्ण का 5, क्लियर है? तो अगर ये 3 है ये 5 है तो ट्रिपलेट 3 4 5 होता है, क्लियर? तो तीसरी भुजा स्वतः ही हमने निकाल ली कितनी, 4। तो अगर हमारे पास ये एबीसी ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो मुझे एक बात बताओ, ये तो है आधार, ये है लंब हमारे पास, और ये है कर्ण, क्लियर है हमारे पास? अब हम कुछ भी बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये था हमारे पास साइन, ये था कोस, ये था टेन, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक। तो कोई भी मान पूछेगा तो जब हमारे पास लंब आधार और कर्ण है तो कुछ भी बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोस, तो मुझे एक बात बताओ आधार बटे कर्ण, तो आधार है कितना 4 और कर्ण है कितना 5, ये 4/5 मान हो गया। टेन थीटा की वैल्यू अगर आपसे पूछ ले तो टेन थीटा क्या होगा बताओ, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है 3 और आधार है 4, तो 3/4। इसके अलावा sec थीटा पूछ ले तो sec थीटा cos का उल्टा होता है, देख लो चाहिए cos का उल्टा क्या है sec, तो इसी मान को उल्टा कर दो, पलट दो, 5/5 क्या होगा 4। तो कुछ इस प्रकार के पास आपके पास मान निकल जाएंगे। तो ये पहला प्रश्न हुआ। बाकी अब मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, उनको भी सीखते हैं एक बार, ठीक है? तो उन क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, इनको आप नोट करते चलें, स्क्रीनशॉट आप लेते चलना, लेकिन अगर आप क्लास नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये बेसिक टू हाई लेवल रहेगा हमारा ये जो कोर्स चलेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ दे रखा है कि यदि कोट थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, कोट थीटा है 35/12, ये दे रखा है, और आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछी है। तो देखो दोस्तों, आपको पता लग गया होगा कि एग्जाम का लेवल कुछ इस प्रकार का है, उसने ऐसी ट्रिपलेट दी है जो आपको आती ही नहीं है, याद रखना ऐसी ट्रिपलेट है ये जो आपको आती नहीं है, ठीक है? तो आप याद रखें हमेशा कि एक आपके पास ट्रिपलेट होती है 12, 35 और 37, ये ट्रिपलेट आपकी यहाँ काम करेगी। अगर आपको नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे यहाँ पर कोट थीटा, तो लाल बटे कक्का लिखेंगे। अगर लाल बटे कक्का लिखेंगे तो बोलो टेन का उल्टा कोट होता है, और कोट थीटा की बात करें तो आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब। तो अगर मैं यहाँ त्रिभुज बना लूं तो आधार तो 35 और लंब कितना 12, तो बोलो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आ जाएगा मेरे पास कितना 37, जैसा कि मुझे याद था मैंने लिख दिया आपके पास यहाँ पर। अब मुझे एक बार बताओ साइन थीटा पूछा है तो 12/37 हो गया, क्या हो गया 12/37, 12/37 कैसे भाई, साइन थीटा क्या था लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 37, 12/37। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसका आप जरूर से ध्यान रखें। और क्या एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीएचएसएल सीजीएल में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिले, आप अभी ये मत मान के चलना कि क्वेश्चन टफ आते हैं, टफ वाले क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन मेंस में भी हालांकि इजी क्वेश्चन आने लग गए, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार आप प्री तो क्लियर करो, इसी में हाई लेवल जब आएगा वो मेंस को कवर करेगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि टेन थीटा की वैल्यू आपको दी गई है √3/2, और आपसे वैल्यू पूछी गई है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू पूछी, तो मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ लाल बटे कक्का को, अगर लाल बटे कक्का को लिखेंगे तो लंब बटे आधार होगा क्या, ये होगा लंब बटे आधार,
तो बोलो अगर मैं त्रिभुज बना लेता हूं तो लंब तो हुआ रूट तीन, आधार हुआ दो, तो कर्ण की बात करें तो आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर रूट तीन का स्क्वायर तीन बराबर क्या होगा कर्ण का स्क्वायर। तो बोलो कर्ण कितना हो गया अंडर रूट में सात। क्लियर हुई बात, कर्ण हुआ हमारा अंडर रूट में सात, ये वैल्यू आ गई अंडर रूट में सात। तो अब मुझे एक बात बताओ साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब तो है रूट तीन और ये रूट सात, तो बोलो रूट तीन बटे रूट सात, और प्लस में ये क्या होगा कोस थीटा, आधार बटे कर्ण, तो दो बटे रूट सात। अगर मैं यहाँ से एलसीएम रूट सात ले लूँ, एलसीएम मैंने ले लिया रूट सात, तो मेरे पास दो प्लस रूट तीन बटे में रूट सात, ये आपका आंसर था। यार रूट तीन प्लस दो भी कह सकते हो, एक ही बात है, पहले किसी को भी लिखते हो प्लस में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये ठीक क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसके अलावा हम बात करें और क्या क्वेश्चन आया इसी पैटर्न पर, एक क्वेश्चन आया कि सेक थीटा आपको दे रखा था, यदि सेक थीटा 13/5 हो, ये क्वेश्चन आया, तो ये देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 2 sin θ - 3 cos θ / 4 sin θ - 9 cos θ, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्लियर, तो अब देखो अब बात करते हैं इसके ऑप्शन में, यहां लिख देता हूं ऑप्शन है इसके 3√2 1/3 और 1/√2, ये चार ऑप्शन, तीन ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन। क्लियर, तो अब देखो बात करते हैं sec theta की, अगर हम बात करें तो sec theta होता cos का उल्टा, कर्ण बटे आधार, तो ये होगा कर्ण और ये होगा आधार, कर्ण 13 ये 5, तो बोलो 5 × 12 = 13 ट्रिपलेट हमने पढ़ा था, लंब आ गया हमारे पास, ये तो है सर हमारे पास लंब, ये है हमारे पास आधार और ये है हमारे पास कर्ण। क्लियर, sin theta होता है क्या बताओ लंब बटे कर्ण, तो मैं कह सकता हूँ 2 × लंब 12 और बटे में 13, माइनस में 3 × cos θ होता है 5/13 आधार बटे कर्ण, 4 × लंब बटे कर्ण 12/13 और माइनस 9 × ये क्या होगा आधार बटे 5/13। अब देखो यहाँ से कर्ण कट जाएगा, एक इसका डायरेक्ट तरीका भी होता है उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार आप इसको समझ लो। तो मुझे एक बार बताओ ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ गया, 13 आ गया क्या, तो 12 × 2 = 24, माइनस में 5 * 3 = 15, और इस पूरे का नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो ये भी 13 ही आएगा इन दोनों का, तो 12 × 48 और -9 × 5 = 45। क्लियर, तो बोलो 13 से 13 कट रहा होगा, 24 में से 15 गया क्या बचा 9 और ये क्या बचा 3, तो यहाँ से आंसर हमारा 3 निकल जाएगा, ये ऑप्शन हमारा आंसर होगा। एक देखो कुछ स्टूडेंट इसे कुछ इस प्रकार से करेंगे कि यहाँ हमारे पास टेन थीटा तो आ ही जाएगा आराम से, लंब बटे आधार 12/5 ये टेन थीटा, और हमें पता है कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो बोलो यहाँ से साइन थीटा हम 12 कह सकते हैं और कोस थीटा क्या कह सकते हैं 5, और सीधा हम 12 और 5 जब यहाँ रखेंगे तो उत्तर आ जाएगा, लेकिन वो तभी होगा जब कर्ण से कर्ण इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन रही हो उसमें कंफ्यूज ना हो। जैसे मैं साइन का मान अगर यहाँ 12 रखूँ तो 12 × 2 = 24, माइनस में कोस का मान रखूँ 5 तो 5 * 3 = 15, बटे में रखूँ अगर मैं साइन का मान कितना, साइन का मान रखूंगा मैं यहाँ पर 12 तो 12 × 48, और माइनस में कोस का मान अगर हम रखें 5 तो 9 × 5 = 45, तो मैं कह सकता हूँ 24 में से 15 गया तो कितना बचा 9 और बटे में 3, तो बोलो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा कितना 3। क्लियर है, तो ऐसा आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन एक ये एक डायरेक्ट तरीका, लेकिन देखो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ कर्ण से 13 से 13 जैसे कटा था ना, तो वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में ही कटेगा, कल को और किसी प्रकार की स्ट्रक्चर आ गई तो थोड़ा सा सावधानी रखना। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आया है एग्जाम में इसी पैटर्न पर वो समझना आप, तो ये सारी चीजें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बहुमूल्य है, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में कि sec थीटा बराबर दिया गया 4 और आपसे वैल्यू पूछी गई अंडर रूट 1 + sin θ और 1 - sin θ। क्लियर, तो जब sec थीटा 4 है तो 4/1 कह सकते हैं हम, बताओ ये कर्ण बटे आधार, अभी हमने लेके देखा था कर्ण बटे आधार, तो अगर हम यहाँ से त्रिभुज बनाएंगे तो कर्ण तो हो गया 4, आधार हो गया 1, तो बोलो अगर यहाँ हम निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 गया तो अंडर रूट में हम क्या कह सकते हैं 15। क्लियर है, अंडर रूट में हमारे पास 15, भाई कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाएंगे तो लंब का स्क्वायर, लंब आएगा अंडर रूट कर देंगे। क्लियर, अब सुने अगर मैं यहाँ से साइन थीटा जब मुझे यहाँ चाहिए तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये साइन मैं कह सकता हूँ ये कोस है और ये टेन है। क्लियर है ये, तो अब ध्यान दे
रूट 15/4 है क्या? 15/4, तो मैं यहाँ पर ये मान रख दूंगा। तो मैं कह सकता हूँ अंडर रूट में 1 + √15/4 और नीचे अंडर रूट 1 - √15/4। जब मैं इसका एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो 4 + √15/4 इसका अंडर रूट और बटे में 4 - √15 और बटे में कितना 4। क्लियर है? और इस पूरे का क्या जाएगा? रूट। क्लियर? तो बोलो 4 से 4 कट रहा होगा, तो मैंने यहाँ कह दिया। अब देखो यहाँ आ गया हमारे पास एकदम नंबर सिस्टम का फॉर्मेट 4 + √15। अलग अलग भी कर सकते हो आप इसे, और नीचे भी अंडर रूट में 4 - √15। क्लियर है? या पूरे का अंडर रूट लगा दो, पूरे का अंडर रूट आप एक साथ लगा सकते हो। और बताओ इसका अगर परिमेयकरण करते हैं हम, रेशनलाइजेशन करते हैं, तो 4 - √15 अगर हम करें तो 4 + √15 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा 4 + √15, और जब इसको गुणा करेंगे तो स्क्वायर होके क्या जाएगा बोलो? ये आ जाएगा। या फिर मैं कह दूं 4 + √15 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या जाएगा ये बोलो? ए प्लस बी, ए माइनस बी बन गया क्या? ये ए माइनस बी है और नीचे गुणा होगा ए प्लस बी से। तो बोलो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 और -√15 का स्क्वायर 15, तो एक आ गया बाहर अंडर रूट। तो बोलो यहाँ से आंसर आ जाएगा 4 + √15, ये आपका आंसर होगा। इस चीज का आप ध्यान रखें, 4 + √15 आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बहुत अच्छा प्रश्न हम इसे कहेंगे, क्योंकि इसमें इन्होंने एक चीज जोड़ दी, रेशनलाइजेशन जोड़ दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है एग्जाम में, उसकी चर्चा करें। तो ऐसे प्रश्नों में देखो लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं, टाइम लग जाता है थोड़ा सा समझाने में भी। अब देखो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया कि साइन थीटा की वैल्यू दे दी है आपको, साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू दे दी, और आपसे पूछ लिया कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू बताओ। टेन थीटा प्लस कोट थीटा, मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। तो अगर मैं यहाँ त्रिभुज बनाता हूँ तो बोलो लंब का मान तो ये, कर्ण का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तुरंत मुझे पता लग गया कि इसका मान बी होगा। क्यों? क्योंकि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर दे रखा है, अंडर रूट दे दिया। ठीक है, इसका मान बी आ गया। अब देखो आपसे क्या पूछा, टेन थीटा और कोट थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो टेन थीटा ए बटे बी। कोट थीटा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, बी बटे ए, टेन का उल्टा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ए और बी दोनों लेंगे, तो ए बी, जब बी कट जाएगा तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन में है क्या? हाँ, ये ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ये क्वेश्चन भी मैंने, ये सारे क्वेश्चन उठाए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए दे रखा है कि टेन ए बराबर 2ab / a² - b² 2ab / a² - b² ठीक है, और आपके लिए आपसे पूछा है साइन ए का मान बताओ, साइन ए। तो मुझे एक चीज बताओ, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। क्लियर है? लंब बटे आधार, तो लंब का मान ये रहा और आधार का मान ये रहा। तो बोलो यहां से अगर मैं त्रिभुज बनाकर इस बात को समझाऊं, तो लंब तो है आपका 2ab और आधार है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से ही निकालना चाहूँ तो आधार का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर कर दूं, तो बराबर बताओ कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है हमारे पास कर्ण का स्क्वायर। अब ध्यान देना, अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और क्या कहेंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? और इसको सोल्व करेंगे तो 4a² b² के और बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो a4 + b4 प्लस में आ जाएगा 2a² और b² बराबर कर्ण का स्क्वायर। बताओ जैसे हमने इसी स्क्वायर को ऐसे खोला तो प्लस वाले में ये किसका होता, प्लस वाले का a² + b² का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो बोलो कर्ण की वैल्यू क्या आ जाती है, a² + b² या फिर आप याद ही रख लो एकदम कि ये होगा a² + क्या होगा b². अभी मैंने ट्रिपलेट में एक फॉर्मेट बताया था, अगर आपको याद हो तो ट्रिपलेट कैसे निकलता है, पहले इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में ट्रिपलेट का एक सूत्र होता है p² - q² 2pq + p² + q² अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, बहुत ट्रिकी चीज है ये। एक बात बताओ, ए और बी रख दिया तो ये दे दिया,
ये दे दिया तो बोलो तीसरा याद होना चाहिए, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है? थोड़ा बहुत दिमाग लगाए यहाँ पे, यहाँ पर। और साइन का मान पूछा, मुझे एक बात बताओ साइन का मान क्या होता है? साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारे पास 2ab, और कर्ण क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस यही आंसर होगा, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर? तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम और करेंगे, बाकी क्वेश्चनों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मेरे हिसाब से वीडियो फिर काफी लंबी हो जाएगी, तो और भी क्वेश्चन करेंगे ऐसे, लेकिन एक क्वेश्चन की हम चर्चा और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 4cot A बराबर आपको 3 दे रखा है, 4cot A बराबर 3, और आपसे पूछा है साइन ए प्लस 3cos A, और आपको साइन ए प्लस cos A, यहां माइनस है सॉरी, अब ध्यान दो इसकी वैल्यू पूछी है। तो बोलो मैंने वही चीज कही थी कि कोट ए का मान निकालना चाहो तो 4 को नीचे भेज दो, 3 बटे क्या हो जाएगा 4, और टेन का निकालना चाहो तो उल्टा हो जाएगा, टेन ए निकालना चाहो तो उल्टा 4/3, क्लियर है? और आपको बहुत अच्छे से पता है कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न में बताया कि टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा 4 हो गया और कोस थीटा 3 हो गया, तो जब 4 और 3 यहाँ रखता हूँ तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं यहाँ 4 रखूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा, 4 माइनस में 3 गुणा कोस थीटा का मान 3 × 9, क्लियर? कोस थीटा का मान 3 है तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, बटे में साइन थीटा का मान 4 और कोस थीटा का 3, तो यहाँ से -5/7 क्या जाएगा 7, ये ऑप्शन में दिया हुआ था -5/7, क्लियर है? तो थैंक यू सो मच दोस्तों, 7 प्रश्न हम इस वीडियो में कर चुके हैं, इस लेक्चर में 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये मान लो हम 100+ क्वेश्चन यहाँ आप मान के चलो करने वाले हैं, आप साथ में बने रहें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, बहुत शानदार कंटेंट आपको करवाया जाएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वास्तव में कंटेंट पावरफुल है। अभी देखो बेसिक लेक्चर चल रहा है लेकिन बात समझ में आनी चाहिए आपके, बात ये है। इसके अलावा अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ये तो हमारी सारी चीजें हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। बाकी और भी कोई किसी लेक्चर में आपको दिक्कत है, किसी टॉपिक में दिक्कत है कि भाई हमें ये टॉपिक ढंग से और करवाना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।